मैं हूँ आपका फ्रेंड दीपक। आप देख रहे हैं डिया टच विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन आकर कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ब्लू स्क्रीन एरर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की रैम जो मदरबोर्ड में लगती है उसको बाहर निकाल कर उसको हल्की सी साफ करनी है, उसकी सफाई करनी है। उस पर डस्ट लग जाता है, उसी वजह से भी ये ब्लू एरर आ सकता है। रैम को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सफाई करनी है, उसके बाद रैम को वापस लगानी है, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उससे नहीं हुआ तो अपने रैम को चेंज कर दूसरी रैम लगाएं, तो दूसरी रैम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो रैम का प्रॉब्लम होगा तो दूसरी रैम आपको लगानी पड़ेगी। दूसरी रैम से लगाने से भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हुआ तो आपका जो फैन के नीचे प्रोसेसर लगता है उसकी सफाई करनी है और हीट लगानी है। उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको सीपीयू प्रोसेसर को भी सफाई की, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सीपीयू की ऑपरेटिंग सिस्टम जो आती है, जो विंडो आता है, उसको नया इंस्टॉल करना है और उसमें एंटीवायरस डालना है, लाइसेंस वर्जन। तो क्या होता है, वायरस की प्रॉब्लम से भी ब्लू स्क्रीन आती है, तो वायरस को हटाना है, तो वायरस निकल जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको सबसे पहले रैम को साफ करनी है, उसके बाद उसका प्रोसेसर सीपीयू को सफाई करनी है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो न्यू विंडो इंस्टॉल करना है, और न्यू विंडो से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपको किकिल जैसा लाइसेंस वर्जन डालकर आपको सभी वायरस को हटाना होगा। सभी वायरस हट जाएगी, उसके बाद आपका कंप्यूटर का ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। हमारा वीडियो पसंद आए